विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी में बात नहीं बन पाई है और एनडीए में टूट करीब करीब तय मानी जा रही है। आज शाम एलजेपी की संसदीय दल की बैठक है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद एलजेपी 143 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीटों को लेकर नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे पर पेच फंसता नजर आ रहा है। अब ये लगभग तय हो गया कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए से अलग चुनाव लड़ेगी। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। हालांकि एलजेपी एकला चलो की नीति पर चलने के बावजूद बीजेपी से अलगाव नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि एलजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से आपत्ति है, इसलिए वह केवल एनडीए के घटक दल जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे। एलजेपी 143 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। एलजेपी के रुख देखकर लगता है कि अब एलजेपी के लिए एनडीए गठबंधन में बने रहना मुश्किल होगा। एलजेपी को बीजेपी के नेतृत्व से किसी तरह की शिकायत नहीं है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तारीफ कर रहे हैं। उनका और उनकी पार्टी का हमला लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चालू है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कई दफे कह चुके हैं कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी बीच ये भी खबर है कि बीजेपी की तरफ से एलजेपी अध्यक्ष को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है कि अब बात आगे निकल चुकी है और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान औपचारिक रूप से बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने की घोषणा करेंगे।